नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं बना रही हूँ फलाहारी थाली, जो भी किसी भी नवरात्र के व्रत में या दूसरे फलाहारी व्रत में आप उनको बनाकर खा सकते हैं। सबसे पहले मैं बना रही हूँ सीताफल की चटपटी खट्टी मीठी सब्जी। इसके लिए मैंने आधा किलो सीताफल लिया है और उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल करके उसको मैं गरम कर रही हूँ। मैं डाल रही हूँ मैं एक छोटी चम्मच जीरा और एक छोटी चम्मच मेथी दाना। साथ में डाल रही हूँ सब्जी के सीताफल के कुछ पीसेस। अब मैं डालूंगी इसमें मसाले। मसाले में मैंने एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाला है और एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाला है। अब मैं इसको अच्छे से भून लूंगी, मसालों को अच्छे से भून लूंगी। मसालों को आप तेल में डायरेक्ट डालेंगे तो मसाले जल जाते हैं और आप सब्जी के ऊपर मसालों को डालेंगे तो उसका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं आता है। इसलिए मसालों के को सब्जी के साथ थोड़ा सा भून लें, उसके बाद ही ऊपर से बाकी सब्जी को डालें। इस तरह से हम सब्जी बनाएंगे तो सब्जी का फ्लेवर अच्छा आता है। अब मैं इसमें डाल दी हूँ स्वादानुसार नमक। इसको 5 से 7 मिनट तक आप धीमी आँच में इस तरह से पकाएंगे। हमारा सीताफल बन चुका है। मैं डाल रही हूँ एक छोटी चम्मच अमचूर पाउडर और 1 से 2 छोटी चम्मच चीनी। तरह से सब्जी को मैं अमचूर पाउडर और चीनी मिला करके अच्छे से सब्जी को 2 से 3 मिनट अच्छे से पका लेंगे। तरह से हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया। हरा धनिया डालने से एक अच्छा फ्लेवर सब्जी में आ जाता है। यह सब्जी हमारी सर्व करने के लिए तैयार हो गई है। अब मैं इसे धनिया से गार्निश कर रही हूँ। दूसरी सब्जी मैं बना रही हूँ आलू की चटपटी सब्जी। इसके लिए भी मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है और साथ में डाल दिया है 1 छोटी चम्मच जीरा। अब जीरा इसमें गरम हो चुका है तो मैं डाल रही हूँ 1 से 2 हरी कटी हुई बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। मिर्च भी इसमें भुन जाएंगी तो डाल देंगे थोड़ा सा आलू के पीसेस। अब इसमें भी मैं मसाले डाल रही हूँ, 1 छोटी चम्मच मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। इनको भी अच्छे से भून लेंगे। जब मसाले और आलू के साथ अच्छे से भून जाएंगे तो उसमें बाकी बचे हुए आलूओं को मैं इसमें डाल दूंगी और साथ में स्वादानुसार नमक भी डाल देंगे। सब्जी को अच्छे से मिला करके 5 से 7 मिनट धीमी आंच में पका लेंगे। सब्जी को बीच बीच में लगातार चलाते भी रहेंगे। इस तरह से हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। और मैं धनिया डाल रही हूँ। धनिया आलू में को भी एक अच्छा फ्लेवर देता है। ये हमारी आलू की चटपटी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च का साबुत लाल मिर्च का तड़का भी लगा सकते हैं। सब्जी और भी ज़्यादा चटपटी बनेगी।
अब मैं बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी। साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम साबूदाना लिया है, इसे 2-3 बार अच्छे से धो लिया है, धो सेक कर 1-1.5 घंटा भिगो के रखा है। अब एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल करके मैं मूंगफलियों को उसमें भून लूंगी। जब मूंगफली भून जाएंगी तो मुंह से चटकने की आवाज आने लगेगी, तो उसमें हम थोड़ा सा काजू डाल देंगे। काजू को भी अच्छे से मैं भून लेंगे। तो अब मैं डाल रही हूँ जीरा, अब जीरे को भी भून लेंगे, और डाल रही हूँ लाल मिर्च, एक लाल मिर्च के 2-3 टुकड़े करके उनको भून लेंगे। इसमें डाल रही हूँ करी लीव्स, कटी हुई हरी मिर्च, कटे हुए उबले हुए आलू, मसालों में डाल रही हूँ हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर, इन सभी को अच्छे से भून लेंगे। इसमें डाल और स्वादानुसार नमक डाल लेंगे और सभी मसालों को अच्छे से भून लेंगे, और इसमें डालूंगी मैं भुने हुए फूले हुए साबूदाने। साबूदाने को इसमें मसालों के मिक्सर के साथ अच्छे से मिला लेंगे। साबुत अच्छे से मिल जाए तो हम इसमें थोड़ा धनिया डाल लेंगे। धनिया डालकर खिचड़ी को 1-2 मिनट पकाकर धीमी आंच पर पका लेंगे। इस तरह से हमारी खिचड़ी बनके तैयार हो जाएगी। अब मैं बना रही हूँ भुनी हुई चौलाई की खीर। इसके लिए मैंने 2-3 कटोरी भुनी हुई चौलाई ली है, इन्हें अच्छे से छान लिया है। छान करके जो भी डस्ट इसमें होगी वो अच्छे से साफ हो जाएगी। ये दूध उबल रहा है तो मैं डाल रही हूँ चौलाई। इस तरह से चौलाई को दूध में डाल करके 2-3 मिनट इस तरह धीरे धीमी आंच में पका लेंगे। तो 2-3 मिनट हो जाए तो इसमें डाल रही हूँ स्वादानुसार चीनी और कुछ ड्राई फ्रूट्स, इलायची पाउडर डाल रही हूँ, काजू डाल रही हूँ, बादाम डाल रही हूँ और पिस्ते डाल रही हूँ। इस तरह से हमारी खीर बनके तैयार हो चुकी है। अब बना रही हूँ मैं खीरे का रायता। खीरे का रायता बनाने के लिए मैंने 2 खीरों को छील लिया है और ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। इसमें डाल रही हूँ मैं 500 ग्राम दही। दही को खीरे के साथ मिला देंगे। अब मैं डाल रही हूँ इसमें भुने हुए जीरे का पाउडर, लाल मिर्च, स्वादानुसार सेंधा नमक, इनको अच्छे से मिला रही हूँ। डाल रही हूँ मैं इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और कटे हुए पुदीना। पुदीना से एक अच्छा फ्लेवर इसमें आ जाता है। ये हमारा रायता बनके तैयार हो गया है। ये मैं बनाने जा रही हूँ कुट्टू के आटे की पूरियाँ। कुट्टू के आटे की पूरियाँ बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम कुट्टू लिया है, 3 मीडियम साइज के आलू लिए। आलू को ग्रेट कर लिया है और अब मैं कुट्टू के आटे में मैं मिला रही हूँ नमक, तेल और कुछ मसाले। मसाले में लाल मिर्च, हल्दी और इसमें आलू मिला करके मैं 1-2 तैयार कर लूंगी। यदि पानी की जरूरत पड़े तो आप पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे पानी की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि आलू और कुट्टू के आटे से 1-2 अच्छे से तैयार हो गया था।
इस तरह से डो तैयार हो चुका है। इसको 5 से 7 मिनट इस तरह से रहने देंगे और बनाएंगे हम पूरियाँ। पूरी बनाने के लिए हम छोटे छोटे पीसेस में लोई बनाएंगे और उन्हें छोटी छोटी पूरियाँ बेल लेंगे। कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है, इसमें मैं पूरी तल रही हूँ। ये फूली फूली पूरी बन चुकी है। इस तरह से मैंने और भी सारी पूरियाँ बना ली हैं। देखिए फूली फूली पूरियाँ बनके तैयार हो चुकी हैं। इस तरह से मेरी व्रत की थाली बनकर तैयार हो चुकी है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें और मस्त रहें।